कल का बिग बॉस का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, काफी चीजें हुई है कल के एपिसोड में। बट फॉर मी, अगर आप मुझे पूछे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट था कल निशांत। निशांत ने जिस वे में उसके पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए हैं, जिस तरह से उसने अपने आप के लिए स्टैंड लिया है, अपने मुद्दे जो है, अपनी थॉट प्रोसेस जो है आगे बताई है, आई वॉज लाइक, निशांत तू अभी तक क्यों सोया था, उठ जाना चाहिए था तूने ये। एंड फाइनली अभी ऐसा लग रहा है कि शायद निशांत जो है ये गेम को थोड़ा और सीरियसली लेने लगेगा और खुद के लिए खेलेगा। ही विल स्टॉप प्लेइंग फॉर प्रतीक वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि ये गेम में ना कंटिन्यूसली देखा है कि प्रतीक के लिए निशांत ने जितना किया है, प्रतीक ने उसके लिए उतना रिटर्न भी किया ही नहीं। और इसे प्रतीक की बात नहीं है, घर वालों में से बहुत सारे लोग निशांत से अपनी मदद मांगते हैं, लेकिन जब निशांत को मदद की जरूरत होती है वहां पे हार्डली कोई खड़ा होता है। देख रहे हैं आप फीफा फूज, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। निशांत के ऊपर मैं वापस आऊंगी, बताऊंगी निशांत के कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। लेकिन कल के एपिसोड की अगर बात करें तो तेजा वर्सेस प्रतीक का ये जो साइकिल वाला टास्क था, काफी ज्यादा ऑब्वियस लग रहा था कि ये टास्क जो है वो डेफिनेटली प्रतीक ही जीतने वाला है। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो टास्क दिया गया था थोड़ा अनइक्वल तरीके से दिया गया था। जिस तरह से साइकिल बनानी है वो प्रतीक को ज्यादा बेटर समझ रहा था, तेजा को नहीं समझ रहा था। बहुत तकलीफ हो रही थी उसे वो बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली प्रोटेक्शन की भी बात करें तो प्रतीक जो है उसके ऊपर कूद पड़ सकता है साइकिल के ऊपर, लेकिन तेजा जो है वो क्या करे, मतलब वो खुद को डिफेंड करे, एज इन खुद के साइकिल को डिफेंड करे या फिर प्रतीक के ऊपर अटैक करे। तो कहीं ना कहीं ये जो टास्क था अनइक्वल तरीके से हो रहा था, ऐसा मेरे को बहुत लग रहा है। करण एंड राखी क्लियरली शमिता के टॉप फाइव में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो शमिता है उसने डाउनग्रेड करने का तेजा को सोचा। ये क्लियरली उसका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रज है, पर्सनल दुश्मनी है टुवर्ड्स तेजा, ये क्लियरली दिख रहा था। क्योंकि जब तेजा और प्रतीक का ये जब टास्क बीच में रुका था, तभी वो जब बात करी थी निशांत के साथ, तभी निशांत वाज सेइंग कि तूने ये गलत किया, तूने ये नहीं करना चाहिए था, यू कुड हैव चोजन राखी, तूने क्यों चूज किया है तेजा को। क्योंकि अगर तू तेजा को चूज भी कर रही है तो तू उसे बता भी रही है ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, देखो जरूरत नहीं है ये करने की, ठीक है। और ऊपर से इतनी क्लियर कट बात है कि जो तू रीजन दे रही है अबाउट द विलेना एंड अबाउट रश्मि, तो वो मुझे बिल्कुल भी फेयर नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि तूने जो तेरा पर्सनल ग्रज है वो ज्यादा पर्सनल ग्रज निकाला है, क्योंकि इट इज वेरी एविडेंट शमिता कि तेजा इज मोर डिजर्विंग देन राखी। तो ये जो पॉइंट था मुझे निशांत का, जिस वे में उसने पुट फॉरवर्ड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ही ऑल्सो सेड कि अगर तुझे इतना ही ऐसे ही वे में करना है तो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू एनी फर्दर, तू जैसे खेलना है खेल, मैं अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद जब वो उठ के चला जा रहा होता है तब शमिता कहती है हाँ हाँ तू जा, तेजा को ही सपोर्ट कर, वही कर। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जो तेजा को सपोर्ट अगर कर रहा है, भले वो कर नहीं रहा था, अभी तक उसने किया नहीं था, वो सिर्फ बात कर रहा था, तो इस वजह से जो शमिता चिड़ी है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यस डेफिनेटली शी हैज अ प्रॉब्लम विद तेजा, इसीलिए ही वो ऐसा बोल रही है, वरना उसको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। निशांत ने तभी भी बोला कि तूने ये जो बोला है मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, वाई आर यू सेइंग थिंग्स लाइक दिस, तू ये जो करती है ना, ये जो तू बोलती है ना, इसके वजह से ही मुझे लगता है कि तुझे जो है तेजा से पर्सनल ग्रज है, पर्सनल प्रॉब्लम है। विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए, ये बात एक प्रतीक को शमिता ने कही, ये पॉइंट भी मैं लाना चाहती हूँ आगे। निशांत की बात तो आपको बता दी, और निशांत का और भी मुझे बहुत चीज़ें बोलनी है यार। द गाय हैज शाइंड इन यस्टरडेज एपिसोड अकॉर्डिंग टू मी। जब अपने आप के साइकिल को प्रोटेक्ट करने की बात बारी थी, शमिता प्रतीक से बात करी थी वहाँ पे, और प्रतीक को कहा कि देख प्रतीक, मुझे विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए, मैं चाहती तो हूँ तुझे जिताना, लेकिन मुझे ऑब्वियसली ये भी देखना पड़ेगा कि तेरे में ज़्यादा अच्छा, तेरा साइकिल कंप्लीट है, अच्छे कंडीशन में है, वरना तेजा कुछ ना कुछ बोलेगी ही, करण मुझे टारगेट करेगा ही, अरे लड़का और लड़की खेल रहे थे, लड़की होके हुए तूने लड़की को नहीं जिताया, इतना स्ट्रांगली खेला, तो तू कुछ भी कर, मेरे को विजिबल डिफरेंस जीतने दिखने दे, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि तू ही जीते। प्रतीक कहता है हाँ मैंने बाथरूम में जाके तोड़ बोड़ दिया उसका, थोड़ा बहुत लूज कर दिया है चेन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगेन निशांत का जो पॉइंट था और तेजा जो बोल रही थी वो सही प्रूव हो रहा है, दैट वो एक्चुअली नहीं चाहती है कि वहाँ पे तेजा आए। तो उसका जो कल परसों के एपिसोड में भी थोड़ा बहुत ड्रामा था, तेजा को बताना अरे तू ऐसा कर वैसा कर, खुद जीत सकती है तोड़ फोड़ कर, तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अननेसेसरी
लग रहा था मुझे। प्रतीक ने ये तक कहा कि निशांत का उसे समझ नहीं आ रहा, मतलब अगर वो होता तो वो डेफिनेटली निशांत के लिए खेलता, दिस इज व्हाट प्रतीक सेड। बट हमने देखा है ना क्या हुआ परसों के एपिसोड में, ही वॉज नॉट अग्रीइंग टू निशांत नेम एंड निशांत इवेंचुअली हैड टू अग्री, क्योंकि बिचुकले भी ऐसा था कि मैं सिर्फ प्रतीक को ही सपोर्ट करूंगा। रश्मि वॉज लाइक कि मैं चाहती हूँ निशांत को सपोर्ट करें, बट एट द एंड ऑफ द डे निशांत को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। निशांत ने कहा भी कि मैंने जो अपनी बलि दी है, मैंने मेरे दोस्त के लिए बलि दी है। उसने ये बात राखी को भी बताई कि यू नो मैंने जो बलि दी है अपने आप की वो अपने दोस्त के लिए दी है, ताकि एटलीस्ट वो तो अंदर जाए, और अगर मैं चाहता मैं रद्द करवा देता, पर मैं नहीं चाह रहा हूँ रद्द करवाने। लेकिन यहाँ पे प्रतीक अपने लिए खेल भी नहीं रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। जिस वे से ही इज एक्सपेक्टिंग, निशांत इज एक्सपेक्टिंग प्रतीक टू प्ले, लेकिन प्रतीक वैसा नहीं खेल रहा है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू नो उसका जो बाद में रूम में रोना बिचुकली और राखी के सामने, हमने आई थिंक मैंने तो शायद पहली बार ही देखा रहेगा या फिर एक हाथ दूसरी बार, आई डोंट थिंक हम में से किसी ने उसे रोते हुए देखा है। एंड इट वॉज रियली डिस्टर्बिंग टू सी हिम क्राई, और कहीं ना कहीं हमें भी अंदर से फील हुआ वो बुरा चीज़, वो रोना हमें भी दिल से कहीं ना कहीं टच कर गया कि यार ये एक्चुअली कितना ज़्यादा प्यार करता है यार प्रतीक के साथ। प्रतीक ने यू नो उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तो शायद निशांत का जो गेम है कहीं ना कहीं बेटर होता हुआ दिखाई देता। बिकॉज मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया परसों जिस तरह से ही वॉज पिचिंग फॉर प्रतीक, यार रद्द करवा देता, कुछ नहीं होता था रद्द करवा देता, लेकिन उसने प्रतीक को आगे क्यों रखा? वाई ही डिड नॉट पुट हिमसेल्फ ऑन द फ्रंट फेस? उसने जीतने के लिए कुछ कुछ करना चाहिए था जो उसे नहीं किया, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एंड दैट इज व्हाट आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर अबाउट हियर। उसके बाद जो प्रतीक कह रहा होता है कि नो मैं तो अगर होता तो मैं निशांत के लिए खेलता, प्रतीक तेरे पास तो मौका था, तेरे पास मौका था टू प्ले फॉर निशांत, तो निशांत के लिए खेल लेता। बोलता यार बिचुकले को समझाता मत तो मुझे वोट, बिचुकले की वजह से चेंज करना पड़ा, रश्मि मान गई तेरे नाम के लिए प्रतीक, लेकिन तू कर सकता था ना, तू बिचुकले से बात करवा के निशान को दे सकता था। आज तक निशान ने तेरे लिए सब कुछ किया है, जब तेरी बारी होती है करने की तो तू क्यों नहीं करता? और ये हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ नथिंग लाइक कि आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट प्रतीक, मुझे प्रतीक अच्छा नहीं लगता, अच्छा खेलने नहीं, जब वो अच्छा खेल रहा होता है अच्छा खेल रहा होता है, मुझे स्टार्टिंग से पसंद था VIPs, जब तक आए तब तक मुझे उसका गेम एक्चुअली पसंद आ रहा था, भले बीच बीच में इरिटेट होता था कि वो जा के झगड़ रहा है, किसी के भी मुद्दों में पड़ रहा है, उसका मुद्दा ही नहीं फिर भी झगड़ रहा है तो मुझे इरिटेट लगता था, बट अदरवाइज नहीं, ही वॉज प्लेइंग वेरी नाइसली, वेरी वो क्या बोलते जेंटलमैन का गेम जैसा था ना, उसने वैसा खेला। उसने कभी करण ने उसको जो पटक दिया था तभी उसने उसका इश्यू नहीं क्रिएट किया, या उसका किसी के साथ झगड़ा हो रहा था वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। तो वो मुझे प्रतीक हमेशा पसंद आया, बट जब से VIP है स्पेशली जब देवोलीना और उसका एक बॉन्ड बनने लग गया, तो उसके बाद ना कहीं प्रतीक जो शांत हो गया, प्रतीक कुछ ज्यादा ही शांत हो गया, और अभी ऐसा लग रहा है कि प्रतीक का शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गेम में। तो आई जस्ट होप कि प्रतीक उठे एंड यू नो ही विल स्टार्ट शोइंग दैट साइड ऑफ हिज पर्सनालिटी जो उसके फैंस को बहुत पसंद है, जो वो देखना चाह रहे हैं, बिकॉज दैट प्रतीक इज समवन व्हिच आई पर्सनली वांट टू सी। अभी जैसा प्रतीक है बहुत शांत है, कुछ नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। कुछ कर यार प्रतीक, और प्लीज फॉर गॉड सेक टेक अ स्टैंड फॉर योर फ्रेंड एज वेल, तेरा फ्रेंड तेरे लिए इतना स्टैंड लेता है, तू भी उसके लिए कभी कभार स्टैंड ले लिया कर, दैट इज ओनली गोइंग टू बी फेयर। बिकॉज निशांत को भी तो मौका मिलना चाहिए, वो तो यहाँ पे ऐसा नहीं आया कि हाँ चल तेरे हाथ में ट्रॉफी दे दूँ इसलिए मैं आया हूँ। लेट प्रतीक ऑल्सो सपोर्ट निशांत इज वॉट आई रियली फील, क्योंकि वरना वो वन साइडेड दोस्ती जो है ना, अभी वो दो साइड से दिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तेजा जो है रात को कहती है प्रतीक से निशांत से कि यार मेरे पास 3 पार्ट्स है, उसके पास 1 पार्ट है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास 2 आए या मेरे पास 5 आए, तो मेरे को एटलीस्ट 1 तो दे। तेजा भले कह रही है कि थ्रू आउट कि मुझे निशांत से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बट ऑब्वियसली दोस्त है तो एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, एंड उन दोनों की दोस्ती है यार, जेन्युइन दोस्ती रखती है। तो निशांत का उससे मांगना बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही यू कैन से एज अ फ्रेंड हक से उसने मांगा। अब उसने दिया कि नहीं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट डेफिनेटली तेजा जो है उसके लिए निशांत मैटर करता है, और निशांत को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि ही हैज़ टू चूज बिटवीन प्रतीक एंड तेजा, ही वॉज चूजिंग प्रतीक, ही स्टिल चूजिंग प्रतीक, बट उसके लिए तेजा भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं
उसको जो शमिता का डिसीजन पसंद नहीं आया वो इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली राखी वॉज लेस डिजर्विंग, राखी को निकालना चाहिए था, राखी को नहीं निकाला. बट उसको ये भी प्रॉब्लम था कि उसके दोनों क्लोज पीपल, जो दोनों उसकी प्रायोरिटीज है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं फॉर दैट टिकट ऑफ फिनाले. तो ये भी एक बात है. ऊपर से निशांत के लिए प्रतीक ने यू नो इतना कुछ किया है ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है होप उसकी जर्नी ये वीक खत्म ना हो. बिकॉज निशांत को सेइंग कि शायद मेरी जर्नी इसी तरह एंड होगी, लोगों की मदद कर करके दे दे के मैं चला जाऊंगा, ठीक है अब मेरे लिए यही लिखा तो ये होगा. आई होप ऐसा ना हो. आई होप कि निशांत सर्वाइव्स एंड ही डिजर्व्स दैट. और मुझे इन द लास्ट 1-2 weeks मुझे निशांत और ज़्यादा अच्छा लगने लगा. पहले मुझे उसका 3-5 उसका सांप जैसा खेलना आई वॉज नॉट अ बिग फैन. बट कहीं ना कहीं नाउ आई सी दैट वो एक्चुअली जेन्युइन पर्सन है. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. उसके बाद जब रात को तेजा बात कर रही होती है निशांत के साथ, तभी ना वो एक चीज़ बोलती है निशांत को कि आई एम ग्लैड कि जो भी हुआ, जिस तरह से शमिता ने कहा कि यू नो मैं चाहती हूँ तेजा जो है उसका स्टार लूज करे क्योंकि मेरे को जिन्होंने सपोर्ट किया है वो जो लोग हैं जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है वो दिखने चाहिए, उनकी मर्जी है इसीलिए मैं उनकी बात सुनूंगी, इसीलिए मैं तेजा को बाहर कर रही हूँ. तो उसका जो ये कहना था दैट वाज एक्चुअली नॉट नीडेड, इट वाज नॉट नेसेसरी. लेकिन उसने ये कह के आप कहीं ना कहीं अपना गेम एक्सपोज किया है. और ये बात तेजा भी क्लियरली बोल रही है कि क्यों करण किसी और के लिए स्टैंड ले, क्यों करण प्रतीक के लिए स्टैंड ले या फिर शमिता के लिए स्टैंड ले, इन लोगों ने इसके लिए क्या किया, इन लोगों ने इसके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया है तो वो क्यों ले. तो तेजा इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो कह रही कि अगर मैं घर से एलिमिनेट भी हो जाऊँ ना तो भी मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहती कि करण जिस तरह से बैश हो रहा है वो बैश हो. एंड एक्चुअली उसका सही है ये पॉइंट ऑफ, मुझे कहीं ना कहीं ना कभी कभी लगता है तेजा सेंस बनाती है, कभी कभी नॉनसेंसिकल लगती है क्योंकि थोड़ी इनसिक्योर थोड़ी पजेसिव दिखती है वो. बट उसके कुछ कुछ मुद्दे बहुत सही होते हैं, जैसे करण शुड हैव टेकन अ स्टैंड, मेरा वेवलेन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, थोड़ा वेवलेन मिलता है, दोस्ती नहीं है लेकिन इतनी, तो ये सब नाटक करने की या फिर यू नो इतना चुप रहने की जरूरत नहीं थी. करण को आप जस्ट सैड कि नहीं शमिता मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेती तो मैं उसके लिए क्यों स्टैंड लूँ, प्रतीक मेरे लिए नहीं लेता मैं उसके लिए क्यों लूँ. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह से तेजा हैज थ्रू आउट स्टूड अप फॉर करण दैट्स कमेंडेबल एंड That's really awesome. Well, अगले दिन जब वापस टास्क शुरू हो जाता है, तेजस्वी कहती है कि वो कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है. एंड यू नो वो अगेंस्ट खेलना चाह रही है बट बिना तोड़े, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ज़रा सा भी तोड़ने के तो प्रतीक क्या चीज़ है, वो क्या कर देगा, तो वो उससे भिड़ना नहीं चाह रही है. करण जो है वो शमिता से कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्रतीक को जिताना चाहते हो, बट शमिता वहाँ कह रही है कि नहीं मैं एक न्यूट्रल जज हूँ. लेकिन हमने उसके एक रात पहले का देख ही लिया था कि वो चाह रही है कि प्रतीक जीते और प्रतीक को जीतने के लिए वो कह रही है कि तू एक मार्जिनल डिफरेंस ऐसा बना के ताकि मैं देख के यू नो बता सकूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. और जब टास्क शुरू होने वाला होता है, शमिता जो है वो तेजस्वी से पूछती है कि तुझे एक इक्वल कंटेस्टेंट की तरह पकड़ूँ या फिर एक वुमेन अगेंस्ट अ मैन पकड़ो, क्या है तेरा. तेजस्वी कहती है मुझे इक्वल कॉन्टेस्टेंट की तरह पकड़, मैं नहीं चाह रही कि उसका जाके तोड़ू, मैं तोड़ फोड़ नहीं करूँगी लेकिन मैं अपने आप को ज़रूर डिफेंड जो है वो करूँगी. तो ये टास्क शुरू होता है और बार बार शमिता जो आके कहती है कि देख मैं तुझे बताना चाह रही हूँ कि प्रतीक का तोड़ नहीं रही है तू, प्रतीक का तोड़ वरना उन्हों उसका बेटर दिख रहा है, अगर तू उसका तोड़ेगी तो तेरा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तेरी साइकिल बेटर लगेगी, मेरे को जज करने में इजी होगा, मैं तेरे अगेंस्ट नहीं खेल रही हूँ, मैं पार्शल नहीं हो रही हूँ, तू फोड़. बट आई डोंट नो कि जो शमिता है वो जेन्यूनली न्यूट्रल खेल रही थी, क्योंकि उसका जो एक रात पहले का कॉन्वर्सेशन है निशान के साथ जो मैंने देखा, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो जेन्यूनली तेजा को एक फेयर चांस देना चाह रही है. बट वो डेफिनेटली उसे लग रहा था कि शायद अगर तेजा वहाँ पे फोड़ने जाओ तो प्रतीक यहाँ पे आ जाएगा, तेजा कितना ही फोड़ पाएगी ना, फोड़ फोड़ के प्रतीक पूरी की पूरी साइकिल जो है तबाह कर देगा. और ये बात तेजा को पता थी इसीलिए तेजा जो है वो वहाँ पे नहीं जा रही होती है. और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए
मैं तो नहीं तोड़ने वाली। तो शमिता कहती बाद में रोना मत, फिर मैंने जो डिसीजन दूंगी फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं या फिर वॉर्न नहीं किया या फिर मैंने बायस डिसीजन लिया है। तो मैंने तुझे एज अ संचालक फेयर चांस दिया है पर तू उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये सब होता रहता है, देवो आती है, देवो अगेन जो है सपोर्ट करती है प्रतीक को, उसमें कुछ नया नहीं। तो ऐसा करके करके जो टास्क है वो पूरा चलता रहता है। एंड प्रतीक जो है उसकी जब तेजा के एक बार साइकिल पर अटैक भी करता है, उसको जो पाना है वो लग जाता है, मेडिकल रूम में जाके उसको वापस वो पट्टी वट्टी डाल के आता है, फिर से जो गेम है वो शुरू होता है। यहाँ पे उन्हें थोड़ा ध्यान से थोड़ा संभल के खेलने के लिए भी कहा जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ऑब्वियसली ये जो गेम है प्रतीक के लिए वन साइड इजी गेम है, बट कल का एपिसोड निशांत, ऑब्वियसली आई डोंट नो अबाउट यू पीपल बट फॉर मी निशांत का जो साइड है उसका उसका जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली लाइक द फैक्ट द वे ही स्टेटेड हिज पॉइंट्स। सेम वे तेजा ने बहुत अच्छे से खेला है, उसने जिस तरह से शमिता के एंगल्स को पुट फॉरवर्ड किया है, शायद वीकेंड के वार पे इस बार तेजा बैश होने वाली है, लेकिन ये हफ्ता कहीं ना कहीं तेजा चला रही है अगर आप क्लियरली नोटिस करेंगे तो। करण का भी जिस तरह से नो वो हेल्पलेस था कि वो इतना हेल्प करना चाह रहा था तेजा का, स्पेशली जब प्रतीक डिस्ट्रॉय करने आ रहा था तो उसका वो हेल्पलेसनेस ने एक दिखाई दे रहा था कि वो चाह रहा है कि वो हेल्प करे तेजा की लेकिन कर नहीं पा रहा। बट वो जो इमोशनल सपोर्ट थ्रू आउट द टाइम तेजा को दे रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद निशांत और करण की अभी जैसे किचन में बात हुई शायद और ज़्यादा वो बॉन्ड करने लगे आपस में एक दूसरे से और बात करें। सो होपफुली उनके जो बीरा वाला जो साइड है दोनों का सामने वापस आए। तो आपको कैसा लगा कल का एपिसोड ये आप जल्दी से नीचे मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, आपके क्या व्यूज़ है ये हमारे साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और बने रहिए हमारे साथ फीफा फूस पे, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय, टेक केयर।